गाइस पैदल पैदल जा रहे हैं, मेरे चेहरे पे खुशी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई आपके का जो जीवन का टेस्ट था वो पास हो चुका है। मतलब मेरे से इतनी ट्रेजेडीज हुई ना आज, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ट्रेजेडी थोड़ी आगे जाके करते हैं बात, क्योंकि आगे लड़की आ रही, मेरे को शर्म आती है ऐसे ब्लॉग करने में। लड़की नहीं थी, आंटी थी मेरे को, पर फिर भी शर्म आ रही थी। तो ट्रेजेडी क्या हुई कि सबसे इधर होता है कि आपका ना इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, उसके लिए आपको डीएल एक्सट्रैक्ट लाना पड़ता है। जो मैं डीएल एक्सट्रैक्ट लाया था वो मैंने लैमिनेट करवा दिया था। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे करे कर दे बात। तो जो मैं डीएल एक्सट्रैक्ट लाया था वो लैमिनेट किया हुआ था, लास्ट टाइम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, बट उन्होंने लाइसेंस का जो मेरा नंबर और एक्सपीरियंस उसके ऊपर लाइसेंस का काउंट कर दिया, ठीक है, फोटो स्टेट करके उन्होंने रख लिया वो। तो उस टाइम पर मेरा फेल हो गया, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो फेल हो गया, ठीक है। बट दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिटन वाला, दूसरा होता है साइन बोर्ड वाला, ठीक है। साइन बोर्ड वाला मेरे 20 के 20 ठीक, जो रिटन वाला था वो मेरे दो गलत हो गए, दो नहीं पांच गलत है, झूठ बोल रहा, पांच गलत है जिसमें से चार से होने चाहिए सही, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि मेरे चार होने चाहिए सही। तो मुझे लगता था उस टाइम पे कि दो सही होने चाहिए, नहीं दो गलत होने चाहिए, चार गलत होने चाहिए, 16 सही होने चाहिए, ठीक है। तो आज मैं फिर गया, आज फिर कोई 6 घंटे वेट किया मैंने लाइन में लग के। उसके बाद मेरे को एट लास्ट जब मेरी वारी आती है, अब मैं जाता हूँ काउंटर पे, तो मेरे को जो डीएल एक्सट्रैक्ट मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाया था 2-3 दिन के अंदर ही आ गया था, ठीक है। तो वो डीएल एक्सट्रैक्ट जो मैं ऐड करता हूँ उसमें, जो मैं लेके जाता हूँ वहाँ पे, डीएल एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट कर देते हैं, बट ड्राइविंग लाइसेंस का बोलते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में फिर लाइसेंस आपको J&K में ऐसे ढीला मिला था, जो लाइसेंस मिलता है पूरा ना, मतलब प्रिंट उखड़ा हुआ ये वो, तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा। वो 2-3 बंदों के पास, अथॉरिटीज़ के पास गया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। किस फिर मेरे पास आया, कहता है भाई मैं ये, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने बोला क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस था, 7 साल का, आपको पता है ड्राइविंग कैसी है हमारी, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है और ट्रक का लाइसेंस भी है। तो फिर उसके बाद कहता नहीं बट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके लाइसेंस में कोई चीज़ मिस है। मैंने बोला क्या मिस है, कहता हम ही बता नहीं सकते। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, बट फिर मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हुई ना उस टाइम, मैं सोच रहा था, मैंने बोला इतना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे G1 के बाद G2 जब बनता है ना, G2 के लिए आपको 8 महीने वेट करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास G1 के बाद सीधा G2 बन जाता है, 1 महीना वेट करना पड़ता है, जी बन जाता है। जी में आप ना ऐसे नॉर्मली गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, जो जी लाइसेंस होता है मेन होता है, ठीक है। ये बात हुई, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पुराने जब मैं पहले गया था उस पर उन्होंने क्या किया था कि जो लाइसेंस का ना उन्होंने जब डेट डाल दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने उनको ऐसी इंग्लिश में मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को नहीं पता था कि ये बोलने से सही हो जाएगा। मैंने बोला मैं, बट जो पुराने बंदे थे उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है, फिर आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, उन्होंने लिखा भी हुआ था। जब उन्होंने वो देखा ना उसकी बुरी हालत होगी, फिर वो गया अपने अथॉरिटीज़ के पास, वो बोलता कि यार जो है मुझे ये जो लिखा हुआ है इसकी वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर मैं अंदर गया एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब आगे सुनो, मैं जब एग्ज़ाम देने गया अंदर, मेरे होते हैं 4 गलत, पहले 5 हुए थे अब 4 हो गए। एक्चुअली मेरे को सारा आता था, मेरे को A to Z आता, बट थोड़े 4-5 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मतलब कि मैंने पढ़े नहीं थे, ठीक है, पढ़े क्या नहीं थे, लाइक वो ऐसे ही आता है, मतलब कि G1 के रूल और G2 के रूल कि आपको कौन सी डेट में खाना गाड़ी चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, वो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो 4 गलत होते हैं मुझे, फिर उसके बाद टर्न हो जाती है स्क्रीन हो जाती है ऑफ, फिर मैं उसके बाद और ये देखो कि जिस बंदे ने मेरा वो रिजेक्ट किया था वही बंदा उधर आ गया, वो बंदा पता नहीं मेरी आईडी देख रहा था खोल के, पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने फोटो देखी अपनी, ठीक है। तो बोलता पास हो गया, मुझे पता है, बट प्लीज़ शोर मत मचाओ, क्योंकि मैं किसी से पूछ रहा था कि मेरे 4 गलत हुए, बस स्क्रीन ऑफ हो गया। तो फिर क्या होता है कि मैं वो मुझे बोलता है बैठ जाओ, मैं बोला नहीं मेरा फेल है, क्योंकि मुझे लगा था 2 सही होने चाहिए, 2 गलत होने चाहिए। तो फिर मैं चला गया बाहर टिकट लेके खड़ा हुआ, एक पंजाबी भाई अपने, शुक्र थैंक यू सो मच उन भाई का कि उन्होंने बताया कि 4 गलत होने चाहिए, 16 सही होने चाहिए। फिर मैं वापस अंदर आया, वो बंदा मुझे बोलता कि जब तक पूछो नहीं ना तो ऐसे आप बाहर चले गए, आप पहले आपका पास था। मैंने बोला सॉरी सर मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया था कि 2 जो आंसर है वो अगर 2 गलत हो जाएं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। मुझे कहता है नहीं वो 4 होते, 4 गलत हो, 4 से ज़्यादा गलत हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर उसने फिर मेरे को पकड़ाया जीवन लाइसेंस की रसीद, 1 महीने तक मेरा G1 आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं जी के लिए अप्लाई कर दूंगा ठा करके। G2 की कोई टेंशन ही नहीं, साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा जी बन जाएगा भाई आपके का। जब जी बना, जी के लिए मेरे को ड्राइव टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो मैं दूंगा, वो तो आपको पता है भाई आपका। बस इसी का टेंशन था, जो एग्ज़ाम जूम वाला ना वो
सीन है। तो ये व्लॉग कुछ ज्यादा लंबा बन गया होगा, मैं कुछ ज्यादा बोल बैठा है ना, बट मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं को लाइसेंस दिखाऊंगा बाकी अगर टाइम मिला बीच में ना, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। मेरा काम वो सामने मिस्टर ल्यू, ठीक है, काम पे चलते हैं, मिलते हैं थोड़ा सा आगे आपको, चलो फिर। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, हाँ रोड पे वीडियो नहीं बनाई, काम किया, काम करके वापस आ चुके हैं। काम मुझे मिला है मिस्टर ल्यू पे, आपको जैसे पहले बताया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर और मैं आपको अपना लाइसेंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर बैठ के चलते हैं, लाइसेंस दिखाता हूँ, ठीक है चलो। तो गाइस अवॉइड ऑल दिस गंद, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपना DL एक्सट्रैक्ट ले आओ। DL एक्सट्रैक्ट होता है ये, देख रहे हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। वो आप अपने RTO के बाद जो भी एजेंट बैठे होते हैं उनको बोलना DL एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो आपको दे देंगे, पर उसको लेमिनेट मत कराना और पेज बिल्कुल साफ रखना, ठीक है। उसके बाद जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों का जो लाइसेंस होगा वो उसमें ना चिप लगी होती है, तो उनको ज़रूरत नहीं है वैसे, ये मैंने सुना था ऐसे, ठीक है, बट देख लेना, पूछ लेना अच्छे से। बाकी DL एक्सट्रैक्ट आपका आ गया तो आप यहाँ पे आके सीधा आप उधर जाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, टोकन लेने के बाद G1 की प्रैक्टिस करके जाना। तो टोकन जब देंगे वो आपको, टोकन के बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है 3-4 घंटे, 4-5 घंटे, जितना भी आप वेट करोगे, ठीक है, वेट करने के बाद जो है आपको एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। लाइसेंस मिल गया मतलब कि G1 मिलेगा, G1 है मेरा, ठीक है। तो एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ पे आपको अपना जो एक्सपीरियंस ऐड ऑन करवाना पड़ता है। अगर आपका साल का एक्सपीरियंस है वो ऐड ऑन नहीं होगा, ठीक है, दो या तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरी ड्राइविंग जो एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। तो 2 या 3 साल का इज मस्ट। तो वापस चलते हैं अपनी जगह। तो यहाँ पे आगे इसलिए बात करूँ क्योंकि भाई आपका 2-3 दिन से ना पुशअप्स मार रहा है, पुशअप के साथ साथ आपके भाई की जो बॉडी है ना थोड़ी बहुत ही कितरी बितरी हो रही है, देखो मतलब कि अभी 2 दिन हुए हैं मारते हुए, बट आई थिंक कि पंप हो रही है, देख सकते हो शोल्डर एंड चेस्ट, ठीक है, अभी इतनी तो नहीं है, बोलोगे यार क्या हवा मार रहा है। बाकी बस यही है, वेट करना पड़ता है, मेन वो चीज़ है। उसके बाद एग्जाम का है कि एग्जाम G1 आप दोगे, तो एक्सट्रैक्ट का क्या फायदा है, देखो जो नॉर्मल रूटीन होता है जिनके पास एक्सट्रैक्ट नहीं है या जो इधर के लोग करते हैं, क्या होता है G1 देते हैं एग्जाम वाला, उसके बाद 8 महीने बाद जो है G2 मिलता है। G2 में G1 में क्या होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन पता होती है, उसके बाद आप गलियों में गाड़ी चला सकते हो G1 के लेके। उसके आपका जब G2 होता है ना, G2 मीन्स कि सेकंड लाइसेंस में क्या होता है, आप सिर्फ आप हाईवे पे भी जा सकते हो, गाड़ी सीख सकते हो गलियों गलियों में, बट आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसका लाइसेंस 4 साल से पुराना हो, ठीक है, 4 साल से पुराना, ठीक है। 3 साल का होगा तो अगर पुलिस वाले पकड़ लिया तो फिर G1 भी कैंसिल। तो ये होता है, उसके बाद G2 के बाद आप G1 के लिए एलिजिबल होते हैं। इस सारे प्रोसेस में टाइम लग जाता है आपका 1 से 1.5 साल के करीब, ठीक है। तो आपका एक्सट्रैक्ट लाने का क्या फायदा, आप जैसे मैं G1 दिया मैंने, ठीक है, G1 देने के साथ में ही ना मैं G के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब कि आज कल जब भी मैं अप्लाई करूँ फिर मेरे को जाना है एग्जाम देना है, मेरा लाइसेंस अब महीने के अंदर अंदर हफ्ते के अंदर अंदर बन के आ जाएगा, बस मेरे पे कि मैं कब देता हूँ, ठीक है। तो मैं तो अप्लाई कर दूंगा थोड़े दिनों तक, तो ये फी है थोड़ी, और आपकी G2 की फी भी नहीं लगती, $105 में आपको G1 से सीधा जी, अगर आप G1 अपना एक्सट्रैक्ट नहीं लाते तो आपको सीधा जो है 157 के समथिंग पड़ेगा, मतलब कि $60-70 आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है। तो उससे G2 के लिए, G2 के टाइम में भी पैसे पड़ेंगे तो टाइम भी लगेगा, तो एक्स्ट्रैक्ट ले आओ, लाइसेंस बना लो, किसी ने अगर कैनेडा आना हो तो बहुत मस्त है। तो मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन, जो जो मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें वो मैं आपको बताते रह रहा हूँ। तो व्लॉग्स लेट आ रही हैं जस्ट बिकॉज मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, अब जॉब पे क्या व्लॉग बनाऊँ, टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पर बनाने का। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मेरे को आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने आपको दे दी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो क्योंकि मेरे को तो यूट्यूब से ज्यादा तो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर हो चुका हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जो आपको वीडियोस बहुत तगड़ी तगड़ी आने वाली हैं, रील्स आती हैं, वहाँ पे जाओ फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, बाय।